नमस्कार, आज हम बात करेंगे नाम में दारू काम में हल्दी के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो का टॉपिक है दारू हल्दी। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिकल मेडिसिन बताई गई हैं जिनका अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग फायदे हैं, और उस पर कई सारे वीडियोस बनाकर हमने वो ज्ञान आपके साथ शेयर किया भी है। आज की जो दवा है वो विशेष रूप से यूजफुल है, खास करके जो अभी की प्रॉब्लम चल रही है इन्फेक्शन की, और उसके कारण इन्फेक्शन होता है, बाद में डायबिटीज आ जाता है, या आप में से जिनको भी मोटापा, डायबिटीज, शुगर इस तरह की बीमारी है, या कफ रिलेटेड ज्यादा इश्यूज होते हैं, उनके लिए नाम में दारू काम में हल्दी, मतलब दारू हल्दी किस तरह यूजफुल हो सकती है, पूरी की पूरी आयुर्वेदिक रिव्यू इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध और सही आयुर्वेद के बारे में। तो आपको भी सही आयुर्वेद सीखना है, संहिताओं वाला सही ज्ञान प्राप्त करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है दारू और हल्दी के बारे में। एक औषधि मिलती है जो कि आपको कहीं भी आयुर्वेदिक शॉप पे आराम से मिल जाएगी, या अगर जिनके आसपास में उगती है वह ऐसे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसका नाम है दारू हल्दी या दारू हरिद्रा। हिंदी में दारू हल्दी और आयुर्वेद में आयुर्वेदिक शब्दों में दारू हरिद्रा वर्ड कहते हैं। चलो, इसके आयुर्वेदिक गुण क्या क्या हैं? तो इसे आयुर्वेद में लघु रुक्ष कहा गया है। ये नेचर में हल्की है और ड्राइनेस लाने का काम करेगी। तो जो भी चीज जब नेचर में हल्की होती है और ड्राइनेस लाने का काम करती है, तो वो ज्यादातर कफ के लिए बहुत अच्छी दवाइयां बन जाती है, क्योंकि जो बाय नेचर कफ है वो क्या है, चिकना है और हैवी है। तो इसका जो नेचर है वो हल्का और रूखा नेचर है। इसका जो टेस्ट है वो तिक्त और कषाय है। तिक्त मतलब बिटर, कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट। तो थोड़ा सा कषायला और कड़वे रस वाली ये औषधि है। विपाक कटु है, मतलब पाचन होने के बाद थोड़ा सा तीखा टेस्ट पैदा करती है। बाय नेचर ये गर्म है। इसका जो नेचर है दारू हरिद्रा का, उष्ण बोला गया है, या हॉट, या इसकी जो एनर्जी हम बोल सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसे हॉट बोल सकते हैं। कई सारे लोगों को जो वीर्य वर्ड सुनते हैं, तो वीर्य मतलब केवल शुक्र नहीं होता, हर दवाइयों के अलग अलग वीर्य बोले हैं, कि शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, जैसे आंवला है वो शीत वीर्य है, आम है शीत वीर्य है, हल्दी है उष्ण वीर्य है, अश्वगंधा है उष्ण वीर्य है। तो ये वीर्य क्या होता है, तो उसे अगर आम एकदम आसान भाषा में आपको समझना हो, जब भी आप कभी आयुर्वेदिक बुक पढ़ेंगे या कोई लेक्चर सुनेंगे, तो वीर्य वर्ड का मतलब होता है उसकी एनर्जी, जो उसकी पावर वो है, वो गर्म है कि ठंडी। तो दारू हरिद्रा बाय नेचर गर्म है। अगर दोषों पे इसको देखेंगे तो ये कफ और पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर में परफेक्ट दवाई है। कफ पित्त से जुड़े जो भी डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं, खास करके आज के जमाने के जो डिसऑर्डर आप देखते हैं कि फैटी लीवर हो गया है, या फिर हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम ज्यादा देखने मिल रही है, उसमें कफ डोमिनेंसी मिलती है, स्किन की तकलीफ है, सोराइसिस की तकलीफ है, सो मोस्ट ऑफ द जो डिजीजेस आज के जमाने में 70-80% देखने हमें मिल रही है, वो कफ और पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। ये कफ और पित्त दोनों पे काम करते हैं। और इसी से रसांजन नाम की एक कमाल की दवा बनती है दारू हरिद्रा को ही पका के। वो रसांजन जो है, आप कहीं भी जब सूजन होती है या आंखों के ऊपर सूजन वूजन हो जाती है, तो उस रसांजन को गुलाब जल के अंदर घस के आंखें बंद करके आसपास में अगर वो लगाया जाता है, तो कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग हुई है, सूजन हुई है, और उस सूजन के कारण पेन हो रहा है, तो उसको वो कम करने का काम करती है। इसी दारू हरिद्रा से बनने वाला जो रसांजन है, उसको कान में भी उसको घस के गुलाब जल में उसकी ड्रॉप डालते हैं, या महिलाओं को जिनको सफेद पानी वानी की तकलीफें होती है, गर्भाशय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो उसमें उत्तर बस्ती नाम की आयुर्वेद में एक चिकित्सा होती है कि गर्भाशय के वहां से औषधियां दी जाती हैं, उस समय भी रसांजन का प्रयोग उसको क्लीनिंग करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों को पाइल्स होने की तकलीफ है, या मल मार के यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, कभी कभी खून उन भी निकलता है, वहां पे सूजन आ जाती है, कई लोग बोलते हैं कि मोशन होने के बाद ना हमें वहां पे बहुत जलता है, आग जैसे लगता है, वो सारे कंडीशन में आप रसांजन मार्केट में जो मिलता है उसे लाकर गुलाब जल में घस के वहां पे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब दारू हरिद्रा अगर कोई इंटरनली यूज करता है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। सबसे मेन एक्शन इसका इंटरनली कोई यूज करता है तो ये जाकर लीवर पे काम करेगी। लीवर रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स, या यकृत जिसे संस्कृत में कहा जाता है, उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं, चाहे वो आपको जॉन्डिस की तकलीफ हो रही हो, या फिर लीवर के अंदर फैट्स इकट्ठा हो गई है, हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है, कोई भी लीवर से रिलेटेड जब हमको प्रॉब्लम्स देखने मिलती है, खास करके मोटे लोगों के साथ, तो उसमें, या लीवर की ठीक से काम न करने के कारण जिनको शुगर रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, ठीक है, उन सारे कंडीशन पे ये बहुत अच्छा काम करती है, लीवर को एक्टिवेट करने का काम करती है। ये दीपन है तो भूख खुलने में मदद करती है। जिन्हें भूख नहीं लगती लीवर का प्रॉपर फंक्शन ना होने के कारण,
भूख का कुछ सेंसेशन नहीं आता, टाइम हो गया इसलिए खाना खा रहे हैं, उनके लिए यूजफुल होगी। अगर ये ज्यादा मात्रा में यूज कर लिए तो ये पेट साफ करने का भी काम करती है, तो लीवर के अंदर के जो पाचक रस है उनको निकालकर पेट साफ करने का काम करती है ज्यादा मात्रा में। कम मात्रा में ये ज्यादा भूख खुलने का काम करती है। जो दारू हरिद्रा के फल होते हैं वो खाने में टेस्टी होते हैं। मैं हिमाचल गया था 2017 के आसपास में, वहां पे हमें दारू हरिद्रा देखने मिली थी, तो इसके जो फल होते हैं वो फल भी आप खा सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और काम में अग्निमान, प्रवाहिका, काविल, इस तरह की बीमारी में मतलब अग्नि डाउन है, भूख नहीं लगती, यूज कर सकते हैं। प्रवाहिका, जिनको बार बार थोड़ा थोड़ा मल होते रहता है, मल में थोड़ा थोड़ा चिकनापन आते रहता है, चिक्कट जैसे लगता है उनके लिए, और जिनको पीलिया जैसी बार बार जॉन्डिस होने की तकलीफ होती है, काविल, कामला जिसे बोलते हैं, उन सारी कंडीशंस में ये यूजफुल है। ब्लड के सिस्टम पे या रक्त पे काम करेंगे तो ये रक्त शोधक और रक्त स्तंभक है। ये दोनों का क्या मतलब है? रक्त शोधक मतलब ये ब्लड प्यूरिफायर जैसा काम करती है, खून को क्लियर या खून को क्लीन करने का काम करती है, और जिन्हें भी ब्लीडिंग होने की चांसेस है उन्हें रोकने में मदद करती है। फिरंग या उपदंश जैसी जो बीमारियां हैं जो कि पुरुषों के आसपास कई बार जेनाइटल एरिया पे, कई बार वहां पे फोड़े या फिर अल्सर जैसे हो जाते हैं, उन सारी बीमारियों में भी अगर ये इंटरनली यूज करते हैं या दारू हरिद्रा का काढ़ा लेते हैं तो जो जेनाइटल एरिया के आसपास की जो बीमारी है उसको ये ठीक करने में मदद करती है। और बॉडी में कहीं से भी खून निकलने की तकलीफ हो, चाहे वो रक्ताश हो मतलब पाइल्स हुआ है और खून निकल रहा है, या ज्यादा पीरियड्स के टाइम पे खून निकलने की तकलीफ हो रही है, किसी भी कारण से जब खून निकल रही है तब इसे अगर ब्लड रोकने वाली दवाइयों के साथ दे तो मस्त काम करती है। जैसे कि दारू हृदय दो चुटकी ले ली, उसके साथ चंदन ले लिया तो चंदन खून रोकने का काम करता है, ठीक है, या फिर आंवला ले लिया, या फिर दारू हृदय को मक्खन के साथ ले लिया, तो जितने भी प्रकार की ब्लीडिंग है उन्हें रोकने का ये काम करती है। आपका जो ब्लड का सिस्टम है, रक्तवाह स्रोतस है, वो क्या है? यकृत और प्लीहा, मतलब लीवर और स्प्लीन। स्प्लीन रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, आप में से जिन लोगों को भी मलेरिया हुआ होगा और जिनके साथ ऐसा होता है कि साल में एक बार बुखार आता ही है, साल में एक बार मलेरिया हो ही जाता है, तो मलेरिया के जो भी जंतु आपके स्प्लीन में रुके हुए हैं, या स्प्लीन यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में सूजन हो जाती है, कड़क हो जाता है, स्प्लीनोमेगाली टाइप की तकलीफ होती है, उन सारे कंडीशंस में इसका यूज बनता है। कफ कम करने के कारण जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा कफ होने की तकलीफ है, बहुत ज्यादा सफेद कफ निकलता है, पूरा सीना पैक हुआ रहता है, एकदम हर बार थूकना पड़ता है एक्सेस कफ के कारण, उनमें ये यूजफुल होगा। महिलाओं में गर्भाशय में जो शोथ हुआ रहता है या यूटेरस में जो स्वेलिंग आई है ये उसमें, और जिन महिलाओं को एकदम सफेद पानी की तकलीफ होती है और क्रीम जैसा सफेद पानी निकलने की जब तकलीफ होती है, ऐसे सारे डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग बनता है। जब इसका इंटरनल यूज करेंगे तो जिन लोगों को पसीना कम आता है, एक्सेस जब भी कफ हो जाएगा तो देखेंगे कि पसीने की मात्रा कम हो जाती है। सो जिन्हें पसीना नहीं आता उन्हें पसीना लाने की मदद करता है। कई सारे चर्म रोग है जिसमें कि बॉडी में से स्वेद निकलता ही नहीं, वो चर्म रोग होने की लक्षणों में से एक है कि पसीना ना आना, तो ये पसीना खोल के आने में मदद करती है। और चर्म रोग में जिनको भी बहुत ज्यादा ईचिंग, खुजली या अर्टिकेरिया टाइप की तकलीफ होती रहती है, उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स में ये यूजफुल बनती है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग है और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है या उस घाव को साफ करना है, तो इस दारू हरिद्रा का काढ़ा बनाकर उस काढ़े से अगर क्लीनिंग करते हैं तो उस तरह के जो घाव हुए रहते हैं उन घाव को ये क्लीन जल्दी करने में मदद करती है। दारू हरिद्रा या दारू हल्दी का एक और कमाल का एक्शन ये है कि ये फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। बुखार में आपने देखा होगा कि फीवर नहीं आ रहा है और कई लोगों को जब स्वेटिंग आ जाती है या पसीना आ जाता है तो उनका बुखार उतर जाता है, तो ऐसे लोग जिनको ठंडी लग के बुखार आता है, पसीना नहीं आ रहा है, ऐसे टाइम पे अगर दारू हरिद्रा का इंटरनल यूज करते हैं तो ये अच्छे से पसीना लाने में मदद करती है। साथ ही साथ मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती है जिसमें बहुत ज्यादा कपकपी, ठंडी लगती है, ये उनके जंतुओं को भी मारती है और ब्लड को भी साफ करने का काम करती है। ऐसे टाइम पे इसका प्रयोग आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछ के, आप शुरू में चाहिए तो 1 ग्राम मात्रा में इसे थोड़ी बड़ी मात्रा में ले सकते हैं, जब 1 या 2 बार मोशन क्लियर हो जाएगा वो होने के बाद फिर दिन में दो चुटकी या 1 चुटकी मात्रा में ले सकते हैं, और पीने के लिए कंटिन्यू थोड़ा गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं। जब पसीना आ जाएगा, बुखार उतर जाएगा, या बुखार के कारण जो भी लीवर में हेपेटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली, लीवर बढ़ जाना, स्प्लीन बढ़ जाना, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को ये ठीक करने का काम करती है। और ओवरऑल बात करें तो ये पौष्टिक है, नेचर में स्ट्रेंथ देने वाली है, पर किस तरह का पोषण ये करेगी, ये पाचन करके पोषण देगी। जैसे कि आप समझो बादाम खा लिए तो बादाम क्या है, डायरेक्ट पोषण दे देगा, दूध है वो डायरेक्ट आपको नरिशमेंट दे देगा। पर इस तरह की दवाइयां कब यूजफुल होती हैं, जब आप खा तो रहे हैं, समझो बादाम ले लिया, दूध ले लिया,
पर वो हजम तो होना चाहिए। हजम नहीं हो रहा है इसलिए आपकी बॉडी को प्रॉपरली उसका नरिशमेंट नहीं मिल रहा, तो ऐसे में ये उस तरह की दवा है जो कि पाचन करके आपको नरिशमेंट देने का काम करेगी। जो हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें रक्त धातु के ऊपर एक बहुत अच्छा इसका एक्शन देखने मिलता है। ब्लड रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या खून की कोई भी तकलीफ हो, तब ये बहुत अच्छा काम करती है। ये रसायन है पाचन करके टॉनिक का काम करती है। और आंख, लीवर, स्प्लीन और स्किन, ऐसे 4 सिस्टम पे इसके कई सारे फायदे देखने मिलते हैं। मार्केट में इसके बने बनाए कई सारे प्रिपरेशन मिल जाते हैं, जैसे कि द्रव्यादि क्वाथ, द्रव्यादि तेल, द्रव्यादि लेह, इस टाइप के बहुत सारे प्रिपरेशन मिल जाते हैं। इसी से बनने वाला रसांजन नाम का एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है। अगर इसका पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा आधे से 1 ग्राम के आसपास होगी, जो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद शहद के साथ ले सकते हैं। इसका काढ़ा ले रहे हैं तो सुबह 6 बजे के आसपास मात्रा 30 से 50 ml की मात्रा में बनाकर लिया जा सकता है। आधा आधा चम्मच जैसे ये ले लिया, 1 ग्लास पानी में डाल के हाफ करके 1/4 करके ले सकते हैं। यूज करने के लिए 25 से लेकर 40 दिन के आसपास के डेज इसके लिए मोर देन इनफ होंगे, अगर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो। और अगर आप कफ डोमिनेंट है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, तो ज्यादा लंबे समय तक 3 महीने तक भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सेफेज दवा है, इसका कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट ऐसे देखने नहीं मिलता कि बहुत कुछ हो जाएगा या बहुत तकलीफ कर जाएगा। फिर भी आपकी कंडीशन के हिसाब से आए आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछ के इसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी दारू हरिद्रा, जो कि आयुर्वेदिक शॉप में आसानी से मिल जाती है, खास करके लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर में या डायबिटीज से रिलेटेड जो भी काढ़े बनते हैं या जो भी मेडिसिन बनती है उसमें इसका प्रयोग, या स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। और ये कमाल की दवा है, खास करके जिनको भी कफ और पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये था फुल रिव्यू, नाम में दारू काम में हल्दी के बारे में। आगे आने वाले और कौन से वीडियोस आप इस तरह के रिव्यूज देखना चाहते हैं, आयुर्वेद की कौन से मेडिसिन के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।